तो नेक्स्ट टू गॉड भगवान के बाद में है तो पुलिस है, अगर कोई करे तो समझे। और उसी चीज को अब जरा को लूटा पीटा ठगा पीटा मारा पीटा आ गया और उसको हमने बिठा के 5 मिनट आरती की काम की, बिठा के 5 मिनट सुन भी लिया ना, तो उसके आपकी समस्या दूर होगी। तो वैसे ही धर्म नगरी मानी जाती है, बढ़िया अच्छी पवित्र भूमि मानी जाती है। ईसाई आज तक कभी भी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला था, उम्र इतनी भी हो गई करीब देख रहे हैं। और यहाँ के जो हमारे भाई है एक पीछे अल्पसंख्यक रहते हैं, हमारे कभी आते ये शादी में हमारे आते हैं, हम इनके जाते हैं। लेकिन मेरा एक निवेदन है सर, अभी जो बिहार यूपी से जो बात है, जो ज़्यादा लोग आ रखे हैं उनकी जो फैक्ट्री है, उनके जो मालिक है उसकी एक उनके जो कहते हैं मालिक उसकी विशेष बेटे नहीं, वो कल सुबह इसके लिए सर इसके लिए हमको पूरा सहयोग मिलेगा और मिलता ही है, ये भी करते हैं इसके लिए। दो चीज़ों के लिए लिखा मैंने सर, सरपुनत का मतलब ये होता है कि उसका नाम पता एड्रेस उसके वो कहाँ का रहने वाला उसकी तस्दीक करवाई जाए। सजाया भी का मतलब ये है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है, आपराधिक चाल चलन है, उसका लिया जाए। उसके लिए हमने आज ही लिखकर आपके इंचार्ज साहब ऑलरेडी पहले से इस बात के हमारा डिस्कशन हो चुका था, इस बात के लिए एग्री है ये करें हम साहब इसको करवा रहे हैं। मैं थोड़ा उसमें ठेकेदार को बुला रहा, ठेकेदार क्या करते हैं 500 आदमी एक ठेकेदार लगता है मालिक तो, और पूरे कुछ रहे। देखो इसमें ये कानून बना हुआ है कि कोई भी मकान मालिक नहीं, सुनो कोई भी नहीं है, हम खाना भी रहता है। और पुलिस एक अच्छे कर्म किए हैं पिछले दिनों में किसी ने, तो पुलिस वाला बनता है क्यों किए हैं आप सब यहाँ सोचना, भगवान जी के लिए कोई संकट आए। व्यापारिक एसोसिएशन वाले रुक जाना, ठीक है, थैंक यू। व्यापार मंडल वाले 2 मिनट बात करेंगे, आपसे स्वादर बनाए रखने हेतु तो इन सब के विचार जाने गए, हमारी तरफ से इनका सहयोग के लिए बताया गया। और मुझे खुशी है कि पुष्कर की जनता बहुत ही अच्छी है और पुलिस को पूरा सहयोग प्रदान करती है, इसके लिए मैं पुष्कर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाहरी लोगों के लिए क्या निर्णय लिए गया कुछ कदम? बाहरी लोगों के लिए हमने इंचार्ज साहब को भी ये निर्देश दिए हैं कि बाहरी जो लोग हैं उन सब का नाम पता सकुनत तस्दीक करवाई जावे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में संबंधित थाने से तस्दीक करवाई जावे। अगर इस टाइप के कोई अपराधी पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी और भारी लोगों का सबका वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सर एक ये जो थार जीपे जो चल रही है उनको लेकर आपने क्या कार्रवाई की अब तक? क्या बताए जो थार जीपे चल रही है पुष्कर में अवैध रूप से, और ठीक है इसमें माहौल चल रहा है उसको देखते हुए आज शांति समिति मीटिंग में क्या क्या निर्णय ले गया? क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कुछ घटनाएं भी हैं, जो माहौल है उसको देखते हुए आज पुष्कर थाना में CLG शांति समिति के सदस्य अन्य समाज के मौजूद व्यक्तियों को बुला के एक बहुत ही अच्छे माहौल में मीटिंग ली गई है और उन लोगों से ये सबको सहयोग के लिए कहा गया है कि कोई भी सोशल मीडिया पे कोई दुष्प्रचार हो रहा हो, छोटे बच्चे सोशल मीडिया को क्या यूज़ कर रहे हैं क्या मिसयूज़ कर रहे हैं उन पर नज़र रखने के लिए, कोई आपसी भाईचारा धार्मिक स्वाद को बिगाड़ने वाले सांप्रदायिक स्वाद को बिगाड़ने वाले कुछ तत्व हैं उन पर नज़र रखने के लिए ये मीटिंग ली गई है। उन लोगों को ये कहा गया है कि इस टाइप के कोई तत्व हैं उनकी तुरंत सूचना देवे और जो बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं फैक्ट्रियों में जो काम कर रहे हैं उनकी सकुनत तस्दीक, नाम पते तस्दीक, उनका आपराधिक रिकॉर्ड इन सब की वेरिफिकेशन के लिए हमने ये मीटिंग ली गई है और वेरिफिकेशन का कार्य कल से इनका शुरू भी हो जाएगा। इसके अलावा और भी क्या क्या दिशा निर्देश आपने दिए? दिशा निर्देश यही है कि आपसी भाईचारा सौहार्द बना रहे इसके लिए सबका सहयोग, सबको साथ मिलके इसमें कार्य करना है, यही है मैंने आज उद्देश्य का मीटिंग। सर जो थार जीपे जो चल रही है उसको लेकर क्या कार्रवाई रही है? थार जीपों के लिए अभी ये इश्यू आया था कि कुछ थार जीपें चल रही हैं जिसमें एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं, तो इस बात को लेकर SHO को कहा गया है कि आप इस पर इफेक्टिव कार्रवाई करें, प्रभावशाली कार्रवाई करें और जल्द ही आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी। खुद वही बात दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि जो भी बाहरी लोग हैं उनका सकुनत तस्दीक, जब नाम पता तस्दीक करने के लिए ये मैंडेटरी है हमारे लिए भी
और कोई अपराध करके भाग जाए उसके लिए भी हमारे लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। इसलिए हम इसको प्राथमिकता के आधार पर इस चीज़ को हम करवाएंगे कि सबके नाम पते तस्दीक हो जाए, सबका आपराधिक रिकॉर्ड किसी का हो वो भी हमारे सामने आ जाए, कौन किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल है वो भी हमारे सामने आ जाए, इसलिए इसको हम प्रायोरिटी पे पहले करेंगे।